दोस्तों अगर आप भी भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का 43वां मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सुपर 8 और T20 वर्ल्ड कप का 43वां मैच यहां बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल मैदान पर शुरू हुआ, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से जब पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा और विराट कोहली उतरे तो यहां टीम को पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा, जहां फजल अक फारूकी ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर हार्ड लेंथ पर गेंद डालकर बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और रोहित से गलती यही हो गई, वो फारूकी के जाल में फंस गए और राशिद खान को अपना कैच दे बैठे, जिसके चलते रोहित के रूप में पहला बड़ा झटका टीम इंडिया को मात्र 11 रन के कुल स्कोर पर लगा और रोहित शर्मा 13 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। अब रोहित के विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे ऋषभ पंत, जब विराट कोहली का फॉर्म तो इस T20 वर्ल्ड कप में अच्छा चल नहीं रहा है और दूसरी तरफ ऋषभ पंत शानदार लय से गुजर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को निराश कर ही लौटे। दरअसल यहां दूसरा बड़ा विकेट ऋषभ पंत के रूप में टीम इंडिया का गिरा, जहां ऋषभ पंत अफगानिस्तान के सबसे अच्छे स्पिनर गेंदबाज राशिद खान को फुल लेंथ पर रिवर्स स्वीप लगाने के लिए चले गए और यहां LBW बोल्ड आउट ऋषभ पंत जब हुए तो 20 रन मात्र उन्होंने बनाए थे और पंत के आउट होने के तुरंत बाद राशिद खान ने मोहम्मद नवी के हाथों विराट कोहली को भी कैच आउट करवा दिया और 24 रन की पारी उनकी भी यहीं समाप्त हुई। और यहां भारत को जब 3 बड़े झटके लगे तो 62 रन का कुल स्कोर टीम इंडिया खड़ा कर पाई थी। अब यहां सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम को यहां से लगभग 150 रन के पार लेकर जाने का, लेकिन दोस्तों शिवम दुबे भी इस T20 विश्व कप में अपनी लय को बरकरार रख नहीं पाए और यहां शिवम दुबे 10 रन बनाकर राशिद खान का शिकार बने। अब यहां शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद उतरे हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर टीम इंडिया को यहां से संभालना शुरू किया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए यहां कोई विकेट तो गवाया नहीं, उल्टा 37 गेंदों में 60 रन की साझेदारी भी कर डाली। लेकिन दोस्तों यहां सूर्य कुमार यादव ने जैसे ही अपना अर्धशतक पूरा किया अगली ही गेंद पर उन्होंने भी अपना विकेट गवा दिया। दरअसल फजल अक फारूकी ने एक और बड़ा झटका टीम इंडिया को सूर्य कुमार के रूप में दिया, जो कि 53 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने अपनी तरफ से वो काम कर दिया था जिसके लिए वो मैदान पर आए थे। उनका काम था कि 150 रन के पार भारत को पहुंचाना है और 150 के पार टीम इंडिया पहुंचने में अब कामयाब हो सकी थी। अब सूर्य कुमार के आउट हो जाने के बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को मिलकर स्कोर आगे बढ़ाना था, लेकिन यहां पर दोस्तों तभी हार्दिक पांड्या 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए और ये बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। इस बीच रविंद्र जडेजा ने जहां 7 रन बनाए तो अक्षर पटेल ने 12 रन की पारी खेली और अर्शदीप सिंह ने 2 रन बनाए और भारत की टीम इस मुकाबले में 20 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस मुश्किल मैदान पर 8 विकेट खोकर 181 रन बनाने में कामयाब हो सकी और 182 रन का लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम को मिला। अब दोस्तों यहां अफगानिस्तान की तरफ से जब गेंदबाजी में 3-3 विकेट राशिद खान और फजल अक फारूकी को मिले तो एक विकेट नवीन उल हक के नाम रहा, तो यहां अफगानिस्तान को यह तो समझ में आ चुका था कि यह पिच बल्लेबाजों को काफी अच्छी खासी मदद करेगी और इसीलिए अफगानिस्तान के खिलाड़ी पहले से ही अलर्ट थे कि यहां अपने विकेट खोने नहीं है। लेकिन दोस्तों अब हमारे गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी जब इनके आगे होंगे तो विकेट गिरना तो लाजमी रहेगा ही और यहां अफगानिस्तान की टीम को इस मुकाबले में एक तरफा हराने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार थी। अब पहला ओवर करवाने के लिए जब अर्शदीप सिंह उतरे तो इस ओवर की पहली गेंद पर भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को वाइड गेंद का एक और पीछे ऋषभ पंत जो बॉल को पकड़ नहीं पाए बाउंड्री एक्स्ट्रा में मिल गई और 5 रन पहली गेंद पर मिल जाने के बाद अफगानिस्तान काफी खुश नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों उनकी खुशी तो अब भंग हमारे गेंदबाज करने वाले थे, क्योंकि इस मुकाबले में अफगानिस्तान की तरफ से जब पारी की शुरुआत करने रहमानुल्लाह गुरवाज और हजरतुल्लाह जजई उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह के पहले ओवर में भले अफगानिस्तान ने 13 रन बटोर लिए थे, लेकिन दोस्तों अब जसप्रीत बुमराह को दूसरा ओवर करवाने के लिए रोहित शर्मा ने उतारा और बुमराह ने आते से ही पहली गेंद बिल्कुल जड़ में डाली और कोई रन
रन नहीं मिला। और दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने रहमानुल्लाह गुरवाज को आउटसाइड ऑफ जाती हुई स्लोअर वन गेंद डाल दी और दोस्तों गेंद बल्ले का भारी किनारा लेती हुई सीधा ऋषभ पंत के हाथों में चली गई, जिसके चलते पहला बड़ा विकेट अफगानिस्तान की टीम का गिरा और रहमानुल्लाह गुरवाज 8 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की बदौलत 11 रन बनाकर आउट हुए। और यह विकेट गिर जाने के बाद अफगानिस्तान के लिए बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इब्राहिम जादरान, जहां हजरतुल्ला जजई और इब्राहिम जादरान जसप्रीत बुमराह को काफी संभल कर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों आगे आने वाला संकट शायद उनको पता नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान के बल्लेबाज ऐसे विकेट गंवाएंगे इसका अंदाजा तो हमारी टीम को भी नहीं था। हुआ ये कि जब हजरतुल्ला जजई और इब्राहिम जादरान पारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तभी चौथे ओवर को करवाने के लिए अक्षर पटेल को कप्तान रोहित शर्मा ने भेजा। हालांकि इससे पहले अर्शदीप सिंह के ओवर में विराट कोहली ने कैच भले छोड़ दिया था इब्राहिम जादरान का, लेकिन दोस्तों अब अक्षर पटेल ने यहाँ कोटा अपना पूरा वसूल कर लिया। इस बीच इब्राहिम जादरान को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देने के बाद अफगानिस्तान की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां इब्राहिम मात्र 8 रन बनाकर ही आउट हुए। अब यह बड़ा विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे गुलबदीन नाइव, जहां गुलबदीन नाइव और हजरतुल्ला जजई के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही हजरतुल्ला जजई भी मात्र 2 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की अंदर आती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। और यहां रविंद्र जडेजा ने डीप पॉइंट की तरफ शानदार कैच पकड़कर अफगानिस्तान की टीम को यह तीसरा बड़ा झटका दिया। और हजरतुल्ला के आउट हो जाने के बाद अब पूरा दारोमदार गुलबदीन नाइब और अजमतुल्ला ओमरजाई पर था, जहां दोनों बल्लेबाज कोशिश पूरी कर रहे थे अपनी टीम को इस मैच में बनाए रखने की। यहां पर लगातार स्कोर आगे भी बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम आखिर कितनी देर तक अपनी खैर मना पाती उनको भी पता था। भारत के गेंदबाजों के आगे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की एक न चली। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि यहां से अफगानिस्तान की टीम वापसी जरूर करेगी, लेकिन गुलबदीन नाइव को जब कुलदीप यादव ने 11वें ओवर में ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाया और वो 17 रन बनाकर जैसे ही पवेलियन लौटे, यहां अफगानिस्तान की टीम ने 67 रन के कुल स्कोर पर 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे। और अब अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए 52 गेंदों में 111 रन की जरूरत थी और मैदान पर अजमतुल्ला ओमरजाई और नजीबुल्ला जादरान टिके हुए थे। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अजमतुल्ला को भी 26 रन पर आउट कर दिया और यहां 71 रन अफगानिस्तान की टीम के बने थे और 5 बड़े विकेट उनके गिर चुके थे। अब मोहम्मद नवी और नजीबुल्ला जादरान कोशिश पूरी कर रहे थे मैच जिताने की, लेकिन दोस्तों यहां पर अब इतने विकेट बचे नहीं अफगानिस्तान टीम के। और वैसे भी राशिद खान नूर अहमद का भी अभी आना बाकी था, लेकिन अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंचा, जहां दोस्तों अंत में मैच तो वही टीम जीती जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की और वो है भारत की टीम, जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ यह मैच जीता। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के ऐसे शानदार प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।